एससीबी का क्वेश्चन नंबर 9, एथलीट वाला क्वेश्चन। हाँ, किसी ने किया बताओ मुझे, कैसे किया या फिर हिंट दो। देखो, इससे पता लगता है एससीबी ने किसी ने सॉल्व नहीं किया। सब लोग आराम करते हो घर पे। देखो क्या बोला है, यूएस एथलीट जो भी है, 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड जो भी है, वो फालतू बकवास है। हमारे काम की चीज इसके अंदर क्या है कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, और फिर एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, टेन स्पीड। पॉइंट फाइव फोर सेकेंड के अंदर उसने कवर कर दिया उसको। ठीक है, अज्यूम दैट शी अचीव्ड हर मैक्सिमम स्पीड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम एंड देन रैन विद दैट स्पीड टिल इट अक्रॉस द डे। टेक हर मास टू बी 50 kg। सपोज उसका जो मास है, जो एथलीट है उसका मास 50 kg है। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एट हर फुल स्पीड। बताओ क्या करो। सर वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब उसको एकदम नेग्लिजिबल ही लेना है। हाँ, हाँ, तो उसको देखो, यहाँ जो तो आंसर आएंगे वो अप्रोक्स, एक्सेलरेशन नहीं ले रहे हम लोग, ये कॉन्स्टेंट स्पीड यहाँ, ले रहे हैं। यहाँ जो आंसर आएंगे वो अप्रोक्सीमेटली आएंगे, है ना। तो हम क्या देखें कि भाई तुमको स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एंड नहीं तुमको अब मास डिस्टेंस दिया दिया हुआ है, ये है, तो स्पीड कितना काइनेटिक बन एनर्जी जाएगा, आ जाएगी। 100/10.54, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। फिर एनर्जी निकाल देंगे, ½ mv². सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, अज्यूम दैट द ट्रैक एंड द विंड ऑफर्ड एन एवरेज रेजिस्टेंस ऑफ 1/10 ऑफ हर वेट। ठीक है, मतलब कि अगर ये यहाँ पे जा रही है तो इसके ऊपर जो हवा वगैरह है ना, जो अपना फ्रिक्शन लग रहा है, ड्रैग फोर्स लग रहा है, वो यहाँ की तरफ लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है उसके वेट का 1/4। तो अगर 50 kg इसका मास है तो इसका कितना वेट हो गया, 500। 500 न्यूटन, और लेकिन 500 का 1/4 कितना हो गया, 1/10 सर, 120। कहाँ 1/10 सर, पे 1/10 है। अच्छा, 50 न्यूटन। तो अगर 50 न्यूटन का वो लग रहा है रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस ड्यूरिंग द रन। तो बताओ यहां से लेकर यहां तक तुम गए हो, ठीक है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 100 मीटर, फोर्स कहाँ की तरफ लग रहा है, ये ओपोजिट, तो वर्क डन बाय द रेजिस्टेंस फोर्स कितना हो जाएगा, -50 × 100, राइट, 5000 जूल माइनस में। वॉट पावर, ठीक है, पावर जो होता है, अभी तुमको करवाया नहीं है तो, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, पावर का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ वर्क, वर्क, वर्क रेट ऑफ अपॉन टाइम। टाइम। तुमको ये पता है, वर्क डन पता है, तुमको टाइम पता है, डिवाइड कर देना तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, 37। ओके, क्वेश्चन 37। इसमें बोला है ए ब्लॉक वेइंग 10 न्यूटन, तो मतलब इसका मास कितना हो गया, 1 kg 1 kg। ठीक है, तो तुमको मास दिया हुआ है 1 kg। ट्रेवल्स डाउन ए स्मूथ कर्व सरफेस, तो हमारे पास तो एक इसमें ऐसा, इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कौन सा इक्वेशन, कर्व कर्व का पाथ का नहीं, और जरूरत नहीं है ना, देखते हैं अभी क्या दिया हुआ है। 10 न्यूटन स्मूथ सरफेस है, ठीक है, यहां तक स्मूथ है, इसके बाद जो तुम्हारे पास क्या है, म्यू है, रफ है, तो हमको इसके इक्वेशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे फ्रिक्शन कि उसके कोफिशिएंट दिया बाद हुआ है है। क्या सर? अच्छा, हाँ, उसके मैं बाद उससे वो बोला है क्यों पढ़ा ना है नहीं द सर? मैं पूरा समझ के, मतलब कर्व पे भी है, रफ समझ के देखा भाई। तो लगा पूरे अरे सरफेस उसने, का दिया है। अरे क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ट्रेवल्स हाँ डाउन सर, ए स्मूथ अभी पढ़ा कर्व अच्छे से। ट्रैक। हाँ, तो पहले उसकी यहाँ पे स्पीड निकाल लोगे, इस वाले पॉइंट पे हाँ जहां से सर, हॉरिजॉन्टल वो आ स्टार्ट गया होता है। सर, फिर इजी है सर, सपोज यहाँ पे रूट स्पीड टू वी, एमजी यहाँ पे होगा। स्पीड 0, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, बताओ क्या लगाओगे पॉइंट ए और बी के बीच में, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क वर्क एनर्जी लगा दो या फिर वो लगा दो अपना मैकेनिकल एनर्जी एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। मैकेनिक, हाँ कंजर्वेशन। देखो एनर्जी कंजर्वेशन उसको को मत बोला करो, ठीक है, तुम बोलोगे यार मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, बिकॉज ओनली कंजर्वेटिव फोर्स आर वर्किंग। ठीक है, यस तो सर, स्पीड आ जाएगी
फिर बाद में कि क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक लगा दोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तुम्हारे पास में डिस्टेंस आ जाएगी। स्लिप कर रहा है तो और फ्रिक्शन की वैल्यू विल बी मैक्सिमम म्यू एन, ठीक है। ओके 50 क्वेश्चन में क्या क्या है भाई? अरे ये तो करवाया था ना सर क्लास में, या फिर नहीं करवाया सर? नहीं कर रहा। क्वेश्चन 50 उसमें दिया हुआ है, एक ऐसा है यहाँ पे, एक ये लगा हुआ है पुली, एक यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है मास एम, एक यहाँ पे मास एम, ठीक है, और सबको स्मूथ है। A is attached to this, फिर उसके बाद हम बोला है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट दिया हुआ है तुमको K, तुमको K की वैल्यू दी हुई है 40 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। हुज अदर एंड इज फिक्स्ड टू, यहाँ से यहाँ तक का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 मीटर, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, स्प्रिंग आइडियल, और यही 0.4 जो है ना ये इसका नेचुरल लेंथ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसने बोला फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन ए ब्रेक्स ऑफ द सरफेस, ए इस सरफेस से उठने वाला है। ओके तो बताओ कैसे करेंगे, तुमको मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 0.32 kg, सब कुछ एमकेएस में। हाँ भी बताओ क्या होगा, पहली बात तो ये ब्लॉक यहां से उठेगा क्यों? वो नीचे वाला और ऊपर वाला फोर्स लगेगा। नहीं, ये जो ब्लॉक है तुम्हारे पास में जिसको हैंग किया हुआ है, ये ब्लॉक कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसके ऊपर एम जी फोर्स लग रहा है। तो ये जो ब्लॉक है हमारा, ये एम, ये कहाँ की तरफ जाएगा? यहाँ पे जाएगा, राइट हैंड साइड में। अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा, ठीक है। स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा अपने अलोंग द लेंथ। तो सपोज किसी इंस्टेंट पे ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, सपोज यहां से यहाँ का डिस्टेंस है x, ये ब्लॉक अगर x डिस्टेंस आगे चला गया तो ये तो दूसरे वाला ब्लॉक है, ये भी क्या है x डिस्टेंस नीचे आ जाएगा, है ना भाई? चलो ठीक है, ये अपने पास में नीचे आ गया। अब हमारे पास जो है जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा, ये और जो स्प्रिंग है वो कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो बताओ स्प्रिंग का जो अभी जो लेंथ है वो पहले के कंपैरिजन में छोटा है कि बड़ा है? बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है। भैया हाइपोटेन्यूज बन गया ना वो सर? हाँ मैक्सिमम लेंथ दे सकते हैं, क्यों, हमको क्या पता कि मैक्सिमम, हमको अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन हमको दिया है कि दिस ब्लॉक विल लूज कॉन्टेक्ट विद द सरफेस। कोई भी ब्लॉक सरफेस से कॉन्टेक्ट कब छोड़ता है? जब उसका नॉर्मल फोर्स जीरो। तो इसका एफबीडी बनाता हूँ, इसके ऊपर यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, mg, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स कहाँ की तरफ लगाएगा, यहाँ की तरफ, along the length. तो अब क्या कोई मुझे अपने बता सकता है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन कितना होगा? सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, ये है ना डिस्टेंस, इसको एक बार के लिए मैंने बोल दिया टोटल लेंथ है, उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, माइनस एल। तो स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, स्प्रिंग फोर्स है, इसको मैंने बोल दिया एफ एस। तो स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू बन जाएगी के इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल। ये यहाँ की तरफ आएगा फोर्स, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। जब स्प्रिंग फोर्स का यहाँ पे कंपोनेंट क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो जब तुम्हारे पास में एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू एम जी के बराबर हो जाएगी, जब ये वाला कंपोनेंट और ये कंपोनेंट दोनों बराबर हो जाएंगे, तो नॉर्मल फोर्स बाय द सरफेस कितना हो गया, जीरो। इस पॉइंट पे
ब्लॉक विल लूज द कॉन्टेक्ट विद द सर्फेस. तो ये मेरे पास कंडीशन है. तो ये हो गया इक्वेशन वन. ओके, अब क्या लगाओगे वर्कडन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के? ठीक है. अब ये तो मानते हो ना कि अगर इसका स्पीड नीचे की तरफ v है तो इसका स्पीड भी यहाँ की तरफ v होगा, बिकॉज बोथ द ब्लॉक अटैच टू द सेम स्ट्रिंग. अब लगाते हैं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के. इस वाले ब्लॉक की बात करते हैं. इस ब्लॉक को मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया. पहले बात करते हैं ए की. ए के ऊपर एम जी का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव. पॉजिटिव बिकॉज द ब्लॉक इज कमिंग डाउन. तो कितना आएगा एम जी इंटू एक्स. जो ऊपर वाला ब्लॉक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे क्या एम जी का वर्क डन आएगा? नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है बस. ओके, स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव. नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग अपना एक्सटेंड हो रहा है. तो क्या आएगा, माइनस हाफ के. उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल. ये हो गया, ये हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग. तो ये हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा के. हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. बस हो गया. ये हमारे पास में इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये हमारे पास में इक्वेशन थ्री. अब हम इनको सॉल्व करेंगे और हमारे पास में आ जाएगा. इसमें टेंशन का वर्क डन क्यों नहीं आएगा? टेंशन तुमको याद है मैंने क्या बोला था, वर्चुअल वर्क मेथड. वर्क डन जीरो रहता है, अंदर का जीरो होता है, क्योंकि वो तो इंटरनल बन गया ना. देखो जो यहाँ वाला ब्लॉक है इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, ब्लॉक नीचे आ रहा है, वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव. इस वाले ब्लॉक पे फोर्स राइट में लग रहा है और तुम्हारा ये भी यहाँ पे जा रहा है. तो स्ट्रिंग जो होती है वो इंटरनल बन जाती है ना, तो इसलिए उसका वर्क डन हमेशा जीरो होता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं. सर ऊपर वाले क्वेश्चन में कैसे समझा कि मतलब आगे है पूरा सरफेस? नहीं वो तो उसके अंदर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है वो स्मूथ है. सर आप ये वर्क एनर्जी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो वाला फिर से बताओ कैसे लगा? भाई ये मैंने लगाया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, ये पहले मैंने लिखा ब्लॉक बी ए पे. ब्लॉक ए पे कौन वर्क करेगा, एम जी. और एम जी का वर्क डन आएगा पॉजिटिव बिकॉज द ब्लॉक इज कमिंग डाउन. तो एम जी एक्स. फिर बाद में आएगा स्प्रिंग का वर्क. स्प्रिंग का वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो रहा है. ठीक है, स्प्रिंग ऊपर फोर्स लगा रही है लेकिन जो उसका पॉइंट है वो आगे जा रहा है. तो स्प्रिंग का वर्क डन क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना. तो उसमें एक्सटेंशन कितना है, ये है एक्सटेंशन, ये इतना सा, इसका मैंने स्क्वायर कर दिया. तो ये तो हो गया वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में जीरो है बिकॉज बोथ द ब्लॉक्स आर स्टेशनरी. और अब इसका स्पीड भी वी और उसका स्पीड भी वी. तो हाफ एम वी स्क्वायर पर जब वो नीचे वाला ऑब्जेक्ट ऊपर उठ के जाएगा तो उसका वर्टिकल में भी कुछ होगा ना? होगा, लेकिन उस पॉइंट पे जस्ट छोड़ा ही है उसने. अच्छा, उस तो बोला ना जस्ट, क्योंकि हमने इक्वल किया है ना इन दोनों को. हाँ सर, समझ. तो अभी वो सरफेस पे रखा है लेकिन. हाँ ओके, और कुछ सर? हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में और स्प्रिंग का फोर्स उधर लग रहा है थीटा एंगल में, तो उसका नहीं कंपोनेंट नहीं होता है. अरे स्प्रिंग तो अपना कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो उसका जो वर्क डन वो तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ. उसमें क्या देखना होता है तुमको, फाइनली कि उसमें एक्सटेंशन कितना हुआ बस. सॉरी सर, वो तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर वो करता है, डिपेंड करता है बस. इसीलिए हमने सिंपली कर दिया, हमको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं पड़े. ठीक है, चलो बस अभी हम बाकी डाउट बाद में करेंगे, पहले अपने आगे पढ़ते हैं. तो हमने क्या किया था लास्ट क्लास में, पोटेंशियल एनर्जी हो गया था सब कुछ ना. हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स का. अगर तुमको कौन पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे दूंगा तो कंजर्वेटिव फोर्स फाइंड
हो जाएगा चेक करने के लिए ना. नहीं 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 इफ आई गिव यू कंजर्वेटिव फोर्स कैन यू फाइंड दैट पार्शियल डिफरेंशियल एनर्जी फंक्शन. हां सर हां. तो देखो अगर तुमको कंजर्वेटिव फोर्स दिया हुआ है उससे हमको क्या निकालना है अपना पोटेंशियल एनर्जी. तो हम क्या करते हैं तो हम इंटीग्रेट नेगेटिव साइन. नहीं वो तो बस मैं एरो दिया है ना. तो हम क्या करते हैं इंटीग्रेट. और अगर मुझे इससे निकालना है फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है तो हम क्या करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये लिख दो. ये हमको आना चाहिए. अब थोड़ा सा हिस्ट्री में आता. और तुमको एक और चीज बताई थी कि कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स कहां की तरफ एक्ट करता है सेंटर नहीं अरे लोअर पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि ये हमेशा चाहेगा कि जो तुम्हारा सिस्टम है वो वहां जाए जहां पे पोटेंशियल एनर्जी कम है. तो इसके ऊपर थोड़े से कुछ वो बनते हैं क्वेश्चन जो कि हम आज करेंगे. तो इसके लिए वी शुड नोट टू थिंग कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा कैसे निकालते हैं. सेकंड चीज इक्विलिब्रियम क्या होता है. ओके इक्विलिब्रियम क्या होता है हमने एनएलएम में पढ़ा था. सारे फोर्स बैलेंस हो जाते हैं. यस एट बैलेंस ऑब्जेक्ट at any object if F net equal to zero. अगर पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो हम बोलते हैं कि पार्टिकल जो है वो इक्विलिब्रियम में है. ओके ठीक है. अब आते हैं मैक्सिमा या मिनिमा. किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं. सपोज तुमको एक फंक्शन दिया हुआ है ठीक है. तो अगर इसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे. इसको अपने क्या करेंगे करेंगे जीरो. तो हमारे पास में क्या आएंगे एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री स्लोप जीरो जहां पे हो रही है. तो इनको क्या बोलते हैं इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट ठीक है. फिर हम इस फंक्शन को फिर से करते हैं डिफरेंशिएशन और फिर हम देखते हैं कि अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो कौन सा पॉइंट है मिनिमा वाला पॉइंट है और अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव तो मैक्सिमा पॉइंट. और फिर हम क्या करेंगे उस जो एक्स आएगा उसको फंक्शन में डाल देंगे. देन वी विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. फाइन. हाँ भाई. हाँ सर. चलो ठीक है. तो मुझे एक को क्वेश्चन करके बताओ पहले. x को एकदम स्टार्टिंग वाले फंक्शन में डालने पे ना. हाँ उसमें डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी. ओके है ना. चलो जैसे तुमको एक फंक्शन दे दिया कि एक पार्टिकल है जो कि इस टाइप से कर रहा है कि उसका जो है पोटेंशियल एनर्जी है. तुमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट वो इस टाइप से कर रहा है वेरी कि u इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर. सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे. ये यस. हाँ ठीक है. तुमको दिया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अरे करूं हो गया. हाँ तो तुमको दिया हुआ है कि एक पार्टिकल है उसका मास भी दिया हुआ है. सपोज मास उसका है 1 kg
उसका पोटेंशियल एनर्जी इस टाइप से ये कर रहा है, वेरी कर रहा है. और तुमको ये भी दिया हुआ है कि टोटल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 13 जूल. ठीक है, तुमसे पूछा है फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग मोशन. बताओ, जो हमने चीजें अब तक पढ़ी हैं उसके बेसिस पर इस टाइप को कैसे सॉल्व करोगे? सर डिफरेंशिएट करेंगे पहले, पार्शियल डिफरेंशिएशन. सर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा फाइंड कर लेंगे. सर यू का मिनिमा. देखो तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी. इसका मतलब क्या हुआ कि सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट? ओके, हाँ ठीक है. फिर हमको दिया हुआ है ऑब्जेक्ट का स्पीड निकालना है. स्पीड निकालना मतलब कि उसके अपने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है. तो मुझे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, मुझे पोटेंशियल एनर्जी दी हुई है. और जब कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं तो मुझे पता होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कैसी रहती है, कॉन्स्टेंट. तो अगर मुझे पार्टिकल का मैक्सिमम स्पीड निकालना है, मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब तुम्हारे पास एनर्जी मिनिमम होगी. ये कितनी होगी, हाँ मिनिमम. तो मैं काम करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा निकाल लेता हूँ. तो मैंने क्या हुआ, फंक्शन लिखा पहले यू इक्वल टू क्या है, 3 - x - 4 का होल स्क्वायर. और मुझे इसका क्या करना है, फाइंड मिनिमा. तो बताओ इसका मिनिमा कैसे निकाले, एक्स माइनस फोर स्क्वायर का मैक्सिमम निकाल लेंगे. एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर का मैक्सिमम. ओके सर, या तो डिफरेंशिएट करेंगे. भाई देखो, नहीं ना, इसको को प्लस करो यार, प्लस प्लस प्लस. अगर मुझे इसका मिनिमा निकालना है तो x माइनस फोर का भी मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मिनिमा. मिनिमा x माइनस फोर का होल स्क्वायर का. और x माइनस फोर का होल स्क्वायर का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, जीरो. क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो मैं कहूंगा कि इस फंक्शन का जो है मिनिमा जो आएगा, या फिर अपने पूरा फॉर्मूले से कर लेते हैं कि डी यू बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, जीरो प्लस टू इंटू एक्स माइनस फोर. तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अपना जो डी यू बाई जो डी एक्स है वो कहाँ पे जीरो होगा, इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू फोर. तो मैंने निकाल दिया कि यू का जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो हमारे पास में कितना बन गया, 3 जूल. कि 3 जूल से ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, नहीं मतलब 3 जूल से कम नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता. तो अब मैं क्या बोलूंगा कि काइनेटिक एनर्जी है उसका जो मैक्सिमा आएगा वो कितना बन जाएगा, इसका जो है ना मिनिमा कितना है, 3. और इसकी वैल्यू जो कांस्टेंट है वो कितनी दी हुई है, 13. तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बच गई, 10 जूल. और उसको मैं इक्वेट कर दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर से. तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी रूट 20 मीटर पर सेकेंड.
सही है? Yes, sir. Okay. अब मान लो हमसे अगर कोई पूछे कि फाइंड पॉइंट्स वेयर वेलोसिटी इज जीरो, हमको ऐसे पॉइंट निकालने हैं जहां पे हमारा वेलोसिटी जीरो है। तो अगर हमारा वेलोसिटी जीरो हो गया इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जीरो। वी अगर जीरो है इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं अब जीरो कर दूंगा तो अपना पोटेंशियल कितना है एक्स में? तो 3 + x - 4 का होल स्क्वायर प्लस जीरो, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 13। तो एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर कितना होना चाहिए? 10। तो एक्स माइनस फोर कितना होना चाहिए? प्लस माइनस रूट 10। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 4 + √10 एंड 4 - √10। मतलब कि ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पे तुम्हारा जो वेलोसिटी है वो कितना है? जीरो। तो अब देखो अगर मैं इसकी लाइन बनाऊं तो ये मेरा एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू है x = 4। ये एक पॉइंट है, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 4 + √10। और ये एक वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 - √10। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करो। जब x की वैल्यू 4 थी तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आया मैक्सिमम? देखो ना, हाँ। तो क्या हो रहा है, पार्टिकल जब यहां से जा रहा है उसका जो अपने वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है, वो यहाँ गया। इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो। फिर वो वापस आया यहाँ पे, उसका वेलोसिटी कैसा हो गया? मैक्सिमम। फिर वो यहाँ गया मिनिमम, उसका वेलोसिटी कितना? जीरो। फिर वो यहाँ गया। तो ये पार्टिकल, इसको क्या बोलते हैं, इस मोशन को पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है ना, जब एक ही पॉइंट के आगे पीछे तुम घूम रहे हो तो हम बोलेंगे कि पार्टिकल इज ऑसिलेटिंग बिटवीन ये पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। से तो स्प्रिंग वाला जैसा हो गया। यस, हाँ, वो भी ऑसिलेट करता रहता है। तो देख लो ना, स्प्रिंग की एनर्जी भी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, होती है ना। तो यहाँ भी तो वही है, देखो ना, स्क्वायर हो रहा है एक्स का। अरे हाँ सर। तो ये सारी चीजें रिलेटेड हैं। हमको क्या ध्यान रखना था कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है उनका समेशन हमको वो करना था, फिक्स करना था। ठीक है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, पूरा पैराग्राफ बनता है, उसके अंदर वो सब चीज पूछ लेंगे कि बताओ कौन कौन से पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हुआ, पार्टिकल कौन कौन से पॉइंट के बीच में ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, हाँ भी क्लियर है सबको? यस यस। कोई भी एनी डाउट? चलो अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो करते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एंड पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम? चलो एक पहले ये बनाता हूं। सपोज एक मैंने अब डायग्राम बना दिया, ये ठीक है, एक इंसान को मैंने यहां पे बैठा रखा है, एक इंसान को मैंने यहां बैठा रखा है, एक इंसान को यहां बैठा रखा है, ए बी सी। ये जो पॉइंट ए है इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कितना है? क्या ये इंसान अपने आप कहीं जाएगा अगर मैं इसको? हाँ, या फिर चलो यहाँ पे इंसान मत बनाओ, तुम कहोगे सर इंसान तो अपने हाथ पांव मार सकता है। हमने एक बॉल को रख दिया, एक बॉल है, एक इस बॉल को रखा हुआ है बस, मैंने ऐसे एक बॉल को ऐसे रखा हुआ है, इस बॉल को यहाँ रखा हुआ है। तो इस बॉल को हाईएस्ट पॉइंट पर रखा हुआ है, सपोज कि मैं हिल है, हिल के ऊपर रखा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा पॉइंट ए पे? ये जो पॉइंट है सर, हाँ, तो नेट कितना है इसके ऊपर? जीरो, राइट भाई। सपोज उसके पास में एमजी फोर्स लग रहा है तो नीचे की तरफ एमजी फोर्स लग रहा है, ऊपर क्या लग जाएगा?
नॉर्मल नॉर्मल और वो अपना इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। वैसे इसकी बात करूं तो सेम पॉइंट भी इसके ऊपर भी कितना है, एफ नेट कितना है जीरो, तो ये भी कैसा है इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये भी कैसा है इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब सिर्फ यही होता है कि फोर्स तुम्हारे पास में जीरो है। अब हमने एक न्यू चीज को किया डिफाइन, जिसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और डायनामिक अनस्टेबल। हमने चीज की डिफाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब होता है कि अगर मैंने चीज को थोड़ा सा हिलाया डुलाया, उसको लेफ्ट और राइट किया सपोज मैंने, तो क्या वो चीज वहां पे रहेगी। तो सपोज ये जो है तुम्हारा बी, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लेके गया यहाँ पर थोड़ा सा, और मैंने इसको छोड़ दिया, तो क्या होगा, वापस नीचे आएगा, इट विल कम बैक। अगर मैं इसको इधर ले गया तो मतलब तुम उस पॉइंट पे वापस आना चाहते हो, राइट? तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि स्टेबिलिटी है तुम्हारे पास में, तुम वहां से हिलना नहीं चाहते हो। तुम अगर थोड़ा बहुत तुमको मैं डिस्टर्ब करूंगा ना, तो वापस तुम वहां पे आ जाओगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या हुआ, व्हेन लिटिल डिस्टर्बेंस इज देयर, ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू कम बैक टू अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट। ओके, अगर इसी के बजाय इसकी बात करो, पॉइंट ए की बात करो, अगर मैंने थोड़ा सा इसको अपने डिस्टर्ब कर दिया तो क्या होगा, अगर मैंने तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। थोड़ा सा इसको इधर लेके आया तो यहाँ पे आया तो ये क्या हुआ, नीचे आ जाएगा। मतलब कि वो अपने इक्विलिब्रियम में तो था, लेकिन वो स्टेबल नहीं है। तुम थोड़ा सा उसको यूं करोगे और वो अपने पोजीशन को छोड़ देगा। अब देखो ऐसा क्यों हुआ, बताओ कोको या फिर बता सकता है ऐसा क्यों हुआ। सर पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ज्यादा थी। पोटेंशियल एनर्जी, देखो जब मैं इसकी बात करता हूं ये, ठीक है, अगर मैं यहां बैठा हूं तो ये पॉइंट मेरा ऊपर है। अगर मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया, मैं यहां लेके आ गया इस ऑब्जेक्ट को, तो बताओ तुमको एक चीज मैंने बताई थी कि कंजर्वेटिव फोर्स कहां की तरफ अपना वर्क करता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी टुवर्ड्स योर लोअर पोटेंशियल। तो ये देखो ना, तो यहाँ की तरफ आएगा ना कंजर्वेटिव फोर्स, तो यहाँ की तरफ आएगा कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ भी अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो वो यहाँ की तरफ लेके आएगा उसको, क्योंकि हमारा कंजर्वेटिव फोर्स क्या ट्राई करता है, कंजर्वेटिव फोर्स इज टुवर्ड्स लोअर पोटेंशियल, तो कंजर्वेटिव फोर्स उसको नीचे लेके आ रहा है। उसने क्या बोला कि दिस इज नॉट द स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर इसी के बजाय अगर मान लो ऐसा होता, तो अगर यहाँ पे बॉल रखी हुई है, अगर तुमने उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तुम उसको उठा के यहाँ पे ले गए बॉल को, ठीक है, और यहाँ पे लेके जाके तुमने उसको छोड़ दिया, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे कम है, नीचे या ऊपर, नीचे। तो इसके ऊपर जो कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करेगा वो कहां की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ। नीचे। तो कंजर्वेटिव फोर्स उसको नीचे लेके आ जाएगा। अगर मैं उसको इधर लेके गया तो यहां की तरफ, ठीक है। तो ये जो मेरा ग्राफ है, ये मेरा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का। तो बताओ इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा, मैक्सिमा, इस पॉइंट को मिनिमा, मिनिमा। तो अब अगर कोई तुमसे पूछे कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, तो क्या बोलोगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, वेयर
पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम मिनिमम ठीक है. और हमारा ये कहां पे होता है अनस्टेबल, वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम. मतलब फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए, मतलब तुम क्या बोलोगे कि फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए. ठीक है, फोर्स जीरो होएगा तो क्या बताएगा कि ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. ठीक है, और उसके बाद में तुम चेक करोगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा था या मैक्सिमा था. तो जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आ गई मतलब हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जहां पे मैक्सिमम आ गई वहां पर हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, कि मतलब पार्टिकल है ना गिर जाएगा. और किसी भी फंक्शन का मिनिमम मैक्सिमा कैसे निकालना वो तुमको आता ही है. हमें आता है? यस सर. हाँ सर आता है. आता है तो एकदम इजी चीज है ये तो, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के अंदर. इसमें एक चीज और बताता हूँ. सपोज मान लो ऐसा होता, ये एक में हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है. सर मतलब स्टेबल में दोनों मिनिमा होना चाहिए, मतलब इक्विलिब्रियम फोर्स भी होना चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम. अरे इक्विलिब्रियम तो होना ही चाहिए, हम तो इक्विलिब्रियम को भी आगे दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ना. पहले चेक करेंगे कि फोर्स है कि नहीं, फोर्स जीरो है कि नहीं. फोर्स जीरो है उसके बाद में चेक करेंगे वो. ठीक है चलो, अगर मैं तुम्हें और बताऊं, अगर ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है तो पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्लोप ऑफ अपना पोटेंशियल मतलब क्या हुआ, डी यू बाई dx. ये क्या होता है, चेंजिंग कंजर्वेटिव फोर्स, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स ना, क्योंकि इसका माइनस. तो ये लो, अब देखो इस पॉइंट पे स्लोप कितना है, जीरो. जीरो तो मतलब कि ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम तो है, ठीक है, बट ये हमारा मैक्सिमा है और एक हमारे पास में मिनिमा है. तो जहां पे मैक्सिमा आएगा वहां पे तुम्हारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, जहां पे मिनिमा आएगा वहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा. ठीक है चलो, ये अब यहाँ पे बताओ मुझे, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने बॉल रखा हुआ है, कि क्या ये बॉल अपना इक्विलिब्रियम में है? यस सर. यस, तुम बोलोगे यहाँ पर mg, यहाँ पर नॉर्मल, और दोनों इक्वल है, mg इक्वल टू नॉर्मल. तो ये कैसा आ गया हमारे पास में इक्विलिब्रियम. ओके अब बताओ ये अनस्टेबल है कि अनस्टेबल है? स्टेबल. क्यों? अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर लेके आऊंगा, साइड में लेके आऊंगा, क्या ये वापस अपना पोजीशन पे आने का ट्राई करेगा? नो सर. अगर मैं इसको यहाँ लेके आ गया यहाँ से, तो अब क्या, अब क्या होगा, क्या ये इस पॉइंट से अपने दूर जाएगा? हाँ. अबे अपने आप कैसे जाएगा, अगर मैंने इसको थोड़ा सा दूर ले गया तो क्या होगा, आप वहां पे भी स्टेबल हो जाएगा. मैंने अपने सिर्फ वहां पे ऐसा उठा के रख दिया. हाँ तो क्या ये अपने कुछ नहीं होगा, फिर कुछ नहीं होगा, स्टेबल नहीं होगा. अरे तो भैया ना स्टेबल का डेफिनेशन क्या बताया था, कि वापस आना चाहिए ना. भाई स्टेबल ने क्या, स्टेबल ने क्या किया था, कि वापस आना है. अनस्टेबल ने क्या बोला, दूर चले जाओ. ये क्या है, दूर इसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि हम ना ही स्टेबल हैं ना ही अनस्टेबल, हम न्यूट्रल हैं, जहां हमको लेके जाओगे हम वहां पे बैठे रहेंगे. क्यों? इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी और इस पॉइंट का जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम है, सेम है. और अगर तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी सेम है तो मतलब कि तुम्हारा जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स है कितना हो गया, जीरो हो गया. क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स कहाँ पे आता है, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ तो कम हो ही नहीं रहा, ना कम हो रहा है ना बढ़ रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमको. सर ये स्टेबल पार्ट है ना? हाँ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का सेकंड पार्ट है ना सर, न्यूट्रल. नहीं ना, नहीं नहीं, न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल, ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है. देखो स्टेबल क्या बोलता है, कि वापस आओ मेरे पास में, है ना,
जैसे यहाँ पे बोला ना कि अगर तुमने उसको कोई डिस्टर्ब कर दिया तो वो बोलेगा वापस आओ. अनस्टेबल क्या बोलेगा? दूर जाओ. दूर जाओ. और ये रुक जाओ. ये तो जहां पे हो वहां पे रहो. न्यूट्रल है हम तो, है ना. तो इसलिए इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, कि हमको किसी से कोई मतलब नहीं है. तुम जहां पे हो उधर अपने बैठे रहो चुपचाप. ओके. तो देखो आप, अब ये जो चीजें हैं इनको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है. तो यहां पे लिखूंगा फॉर्मूला और यहां पे लिखूंगा उसका रीजन. तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आता था? पोटेंशियल एनर्जी. उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू. ठीक है. फिर हमने बोला कि जो इक्विलिब्रियम होता है. ओके. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कि फोर्स जो है उसको क्या होना पड़ेगा? जीरो. अगर किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, दैट मींस इक्विलिब्रियम. अब मुझे बताओ कि पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे आता है? जब मैं करता हूँ माइनस डी यू बाई डी आर. ये भाई अगर आर का फंक्शन दिया हुआ है तो कहते हैं मतलब कि आर कर दो, और एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो एक्स कर दो. चलो सपोज हमने एक्स कर दिया, ठीक है. तो ये हमने कर दिया डी यू बाई डी एक्स. इसको क्या होना पड़ेगा? जीरो. मतलब कि डी यू बाई जो डी एक्स है उसको क्या होना पड़ेगा? जीरो. इसने इस चीज को रिप्रेजेंट कर दिया कि एफ अगर जीरो है तो ये. तो हमको पता है इसका स्लोप यही होता है. ओके, आ गया. फिर हमने किया स्टेबल और अनस्टेबल. हाँ सर, आपने ऊपर फिर जब स्लोप ऑफ पी बताया था तो वो पार्शियल वाला क्यों लगाया था वहां पे? नहीं, उसको ही वो कर दो भाई. पार्शियल मैंने इसलिए लगाया कि अगर मान लो एक्स वाई जेड का फंक्शन होता तो अगर उसके अंदर मान लो एक ही वेरिएबल है तो फिर तो कोई अपने हेडेक ही नहीं है. फिर तो हम कहते सिंपली कर देंगे, है ना. तो उसको पार्शियल कर दो या सिंगल कर दो, एक ही बार. ओके. फिर इसके हमने दो पार्ट किए थे, या तो अनस्टेबल हो सकता है या फिर स्टेबल हो सकता है. स्टेबल कब आया था? जब हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी कैसी होनी चाहिए? मिनिमम. और अनस्टेबल कब आया था? जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम. अब मुझे बताओ इस फंक्शन का मैक्सिमा कब आता है? जब हम इसको ये करते हैं ना कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर, कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? अरे किसी फंक्शन का दो बार जो आता है डेरिवेटिव, नेगेटिव. अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? मैक्सिमा. इसका मतलब हुआ मैक्सिमा है. और इसका मतलब क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक है. अगर इसी में ये कर दूं डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या हुआ? मिनिमा आ गया. इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम. सो मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, वापस समझा सकता है? कहां से डिस्कनेक्ट हुआ था भाई? जब आपने ये डिवीजन किया था उसके बाद. ठीक है. तो मैं क्या कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट को इक्वेशन के फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहां पे स्टेटमेंट लिखूंगा, राइट हैंड साइड में उसका फॉर्मूला लिखूंगा. तो सबसे पहले मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी. उसका सिंबल क्या होता है? यू होता है. तो ये था ना, इसको मैंने लिख दिया यू. फिर तुमको एक चीज मैंने बताई थी कि जो अपना कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? माइनस अपना डी यू बाई डी एक्स होता है, है ना. और इंटीग्रेट करते हैं तो एनर्जी आता है, डिफरेंशिएट करते हैं तो फोर्स आता है. याद है? यस. ओके. तो देखते हैं. तो हमने इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन क्या बताया था? जब किसी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? जीरो. उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम. तो मैं इसके फॉर्म में क्या बोलूंगा? इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब मेरे पास में डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी? जीरो. इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम. क्योंकि इसका मतलब है फोर्स ही जीरो है. ओके. यस सर. ओके. आगे आते हैं. जब फोर्स जीरो होता है तो मेरे पास में पॉसिबिलिटी होती है
कि या तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है या फिर हमारे पास में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट? तो मैंने इसके दो पार्ट कर दिए, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल कब आता है? जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, राइट? हाँ भाई, कहाँ गया? हाँ, हाँ बोल। ओके, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है? जब हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। Yes? Okay. तो ये तो हमने स्टेटमेंट वाली चीजें बोली। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, कहते हैं राइट हैंड साइड में ये मेरा फंक्शन था यू। इस फंक्शन का वो निकालना है मैक्सिमा या मिनिमा, तो ये करता हूँ ना डबल डेरिवेटिव। तो अगर इसका डबल डेरिवेटिव आ गया पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन है उसका क्या चल रहा है? मिनिमा चल रहा है। और मिनिमा पे क्या होता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इफ d square u upon dx square की वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब कि वो वाला जो पॉइंट है वो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। और अगर d square u upon dx square की वैल्यू आती है पॉजिटिव, क्या नहीं हो नेगेटिव, तो मतलब कि हमारा जो पॉइंट है वो मैक्सिमम वाला पॉइंट है। और मैक्सिमम वाले पॉइंट पे क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब मुझे जो पहले वाला जो मैंने अभी तुमको जो क्वेश्चन बताया था, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है? स्टेबल है कि अनस्टेबल है? जो हमारा पुराने वाला जो क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, याद है? उसके अंदर मैंने फंक्शन दिया था 3 + x - 4 का स्क्वायर। तो ये मेरे को मतलब एनर्जी दिया हुआ है, राइट? अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मैं इसको मैंने किया du / dx, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? 0 + 2x - 4। इसको मैंने इक्वल टू कर दिया 0। तो यहां से क्या है मेरे पास में? x इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 4 क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। भाई इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कितनी हो गई? 0 हो गई ना। अब मुझे बताओ कि ये जो इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि नहीं है? तो चेक करो उस पॉइंट पे है। तो इसको मैंने फिर से किया तो d स्क्वायर u अपॉन dx स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2x। ठीक, तो मतलब कि इसकी वैल्यू कैसी आ गई? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कि मिनिमम। मिनिमम मिनिमम मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब चेक करो स्टेबल है कि नहीं। वापस आते हैं डायग्राम पे। कहां गया क्वेश्चन? ये मैं यहां पे था ना। अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके गया तो ये वापस देखो आया ना, यहाँ पे वापस आया घूम के। जब मैं इसको इधर लेके गया तो ये देखो ना वापस आया यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इक्विलिब्रियम तो है ही है, उसके साथ साथ में स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो जब भी तुम्हारे पास में ऑसिलेशन होगा, व्हेनेवर ऑसिलेशन इज देयर, इट हैज टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है? हाँ भाई। यस सर। हाँ बोलो। देखो देखो सर, थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना ये यस के ऊपर। सर सर हम ये कह सकते कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑसिलेशन है। हाँ मैं भी वही कहने वाला था। क्या 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 फिर से बोलो सर। यस every stable equilibrium is a oscillation. And every oscillation is a stable equilibrium. अभी oscillation का मतलब क्या होता है? conservative force होना चाहिए ना हर बार। yes done sir। ठीक है, अलग conservative force bounce कर रहा है वो भी। नहीं 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 नहीं, उसके अंदर तो फिर एक extra force भी आ गया ना, ground का force भी आ गया। हाँ, तो उसमें नहीं बोल, जैसे सपोज एक फंक्शन दिया हुआ है तुमको, दो मान लो मैं एटम्स हैं हमारे पास में,
इनके बीच का जो 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 पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम कैसे दिया हुआ है, ए अपॉन एक्स की पावर 12 माइनस बी अपॉन एक्स की पावर 6। ए और बी कांस्टेंट है, ए एंड बी आर कांस्टेंट, ठीक है, एंड एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एटम्स, ठीक है। तुमसे पूछा है ये सिस्टम तुम्हारा जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन एक्स इक्वल टू, बताओ कि क्या होनी चाहिए एक्स की वैल्यू, सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए। हाँ सर बस। हाँ भैया आंसर बताओ,
क्या आया? 2a/b^6. ओके, तो देखो अगर हमको स्टेबल इक्विलिब्रियम निकालना है तो पहले हमको निकालना पड़ेगा इसका वो क्रिटिकल पॉइंट, तो इस फंक्शन 2a/b का 6th रूट, 2a/b का 6th रूट सर, उसके साथ एक नॉट डिफाइंड भी आ रहा है. हाँ, तो उसको भाई कोई चीज अगर डिफाइन हो गया नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, हमारे पास में एक पॉइंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो हम उसे की बात करेंगे. तो देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो du/dx इसको हमको क्या करना है, जीरो. तो कैसे होगा, a ये है x की पावर -12, तो क्या बन जाएगा -12/(x^13) ठीक है, फिर -b (-6/(x^7) इसको इक्वल टू क्या करना है, जीरो. तो ये क्या बन जाएगा, 12a/(x^13) इक्वल टू 6b/(x^7). मैं x^7 को कैंसिल कर सकता हूँ, क्यों, x कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, दो मॉलिक्यूल कभी एक दूसरे के अंदर नहीं आ सकते. तो ये बन जाएगा x^6 = 2a/b. तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2a/b/(1/6). बस इतना ही बहुत है. -2a होगा. अरे x क्या है, x नहीं 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 सुनो 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 x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता ना, समझा सर, इसलिए हम सिर्फ जो पॉजिटिव वाली वैल्यू है उसको लेंगे. यस सर. ओके, तो ये तो इसी टाइप से जो हमारे इक्विलिब्रियम वाली जो चीजें होती हैं उनको हम ऐसे करते हैं, कोई इसके ऊपर इतना कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसके ऊपर आती नहीं है, क्योंकि एकदम तुमने मैक्सिमम मिनिमम ऑलरेडी काफी बार किया हुआ है, काफी उसके क्वेश्चन भी किए हुए हैं, तो ये जो चीज है ये इतनी मुश्किल नहीं होती है तुम्हारे लिए, सब कुछ आराम आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है. ठीक है, बस कुछ चीजें हैं जो कि हमको याद रखनी होती है कि भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ आता है, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो स्टेटमेंट वाली जो चीजें होती है ना वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर जाती हैं, कि कहीं कहीं पे भाई तुमने स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि कहाँ पे क्या होगा कहाँ पे नहीं होगा, इस टाइप की चीजें अगर हो जाएंगी तो बस तो हमारे पास हो जाएगा. ठीक है. चलो आगे आखिरी चीज हमारे पास में बचती है जिसको हम बोलते हैं पावर. पावर क्या होता है, पावर का यूनिट वाट, वाट एक और होता है, तुमने कभी अपने इनमें देखा गाड़ियों में हॉर्स पावर, हॉर्स पावर तुम हॉर्स पावर में लिखते हैं ना उसको. हाँ, तो पावर जो है जो उसका स्टैंडर्ड जो है यूनिट, जो कि ऐसा यूनिट हम जिसको बोलते हैं दैट इज वाट. जैसे कि हमारे घर के अंदर जो पावर सप्लाई आती है या फिर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट उसके ऊपर लिखा होता है कि इतने वॉट की हमारे पास में वो है. तो पावर को हम कैसे करते हैं डिफाइन, तो सबसे पहले करते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन. यस, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. किस रेट से एनर्जी कहते हैं, कम हो रही है या फिर अपने पास में ज्यादा हो रही है. ओके, तो ये हमारे पास वो है, क्योंकि हमको एक चीज तो पता ही है ना कि वर्क और पावर तो एक, वर्क और जो एनर्जी है वो तो सेम ही होती है. जो वर्क होता है उससे एनर्जी आ जाती है और जो एनर्जी होती है उससे वी कैन डू वर्क, तो ये दोनों ही चीज सेम है. तो इसको भी करने के लिए हमारे पास में दो तरीके, जैसे हमारे पास है वेलोसिटी हमने पढ़ा था, तो हमारे पास में
दो चीजें आई थी, एक तो एवरेज वेलोसिटी आया था, एक हमारे पास में आया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पावर भी हमारे पास में यही है, तो एक हम बोलते हैं एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब होता है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, और यू कैन से टोटल एनर्जी अपॉन टोटल टाइम। मतलब कि सपोज तुम सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हो और तुमने इतने इतना कहते हैं एनर्जी ट्रांसफर किया या वर्क किया, और फिर तुमने उसको टोटल टाइम से अपने डिवाइड कर दिया, तुम्हारे पास में आ गया। और वैसे ही दूसरा हमारे पास में आता है इंस्टेंटेनियस पावर। क्या मतलब होता है इंस्टेंटेनियस का? सर वर्क डन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट मतलब कि, और यू कैन से वेरी स्मॉल इंटरवल, तो सर डिफरेंशिएट कर देते हैं, ये बोल देते हैं, या तो बोल दो dw / dt द रेट, या फिर d e / dt स्मॉल इंटरवल के अंदर। ओके अब जैसे कि अगर मैं इसका डेफिनेशन निकालूं, वर्क क्या होता है? वर्क d / dt, वर्क होता है फोर्स इनटू अपना डिस्प्लेसमेंट होता है ना dx। अब अगर छोटा सा इंटरवल है तो छोटे से इंटरवल के अंदर जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी छोटा सा ही होगा, इसलिए मैंने उसको क्या लिखा, dx लिखा। अब एक उस वाले पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू को वी कैन अज्यूम कॉन्स्टेंट, क्योंकि जब तुमने अपने इंटीग्रेट किया होगा वर्क का तो हमेशा ऐसे लिखते हो ना कि फोर्स वेक्टर इनटू dx, फिर इंटीग्रेट करते हैं। मतलब इस छोटे से इंस्टेंट में we can assume the value of force to be constant, तो constant है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, f dot dx by dt। क्या होता है dx by dt? sir velocity, instantaneous velocity, तो f dot v, ये हमारे पास में power है instantaneous power। तो instantaneous power होती है उस instant पे तुम्हारा जो भी है, चाहे वो बल्ब हो या तुम्हारा मतलब इंजन हो या फिर जो भी हो, जैसे मान लो अपने कार की बात करते हैं तो उस इंस्टेंट पे कार ने कितना फोर्स लगाया और उस इंस्टेंट पे तुम्हारा वेलोसिटी कितना था। सर बट इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वगैरह में वेलोसिटी का क्या रिलेशन निकलेगा? नहीं तो उसके अंदर अपने एनर्जी वाली टर्म काम में लेते हैं। ओके, ये अपने एनर्जी तो हम लिखते हैं कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, वो क्या होता है पावर, है ना, क्योंकि चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास में एनर्जी होता है ना, तो उसमें हम बोलते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर। ठीक है, और अगर तुमको और करना है तो ये तो चीज इसको स्पेसिफाई और कर दो, इसको बोलते हैं मैकेनिकल पावर, क्योंकि इसके अंदर फोर्स है वेलोसिटी है ना, तो दिस इज बेसिकली मैकेनिकल पावर। तो इसके अंदर एंगल का रोल है। ठीक है, अब देखो अब बात करते हैं इसका यूनिट। तो हमको पता है कि फोर्स का यूनिट, हाँ सर, वो अपने फोर्स को कांस्टेंट कैसे लिए? एक छोटे से इंटरवल, छोटा सा ये है ना इंस्टेंट, इसके लिए भाई जब तुम इसको ये करते हो, जैसे अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एक फोर्स दिया हुआ है एक्स आई कैप, ठीक है, और तुमको x इक्वल टू 2 से लेके जाना है x इक्वल टू 3 तक, तो टोटल वर्क डन कितना होगा? तो कैसे लिखते हो? तुम ऐसे लिखते हो ना अपने ये fx अपने इनटू dx। तो उस जब तुम्हारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस इंस्टेंट पे तो फोर्स की वैल्यू वो है ना, अच्छा सेम जैसे इसको इंटीग्रेट करते हो ना, जैसे तुमने इसको इंटीग्रेट करना है तो तुम ऐसे करते हो ना इंटीग्रेट, तो इसको बोलते हो dx, और ये जो हाइट है हाइट को क्या लेते हो f, तो हम मान के चलते हैं कि इस छोटे से इंटरवल के अंदर फोर्स की वैल्यू सेम है, इस हाइट को ले लिया हमने पूरा ही, तो इसलिए हम कहते हैं कि छोटे से इंटरवल में फोर्स की वैल्यू सेम है। मैं उसको यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ सेम, क्योंकि यहाँ पे मेरा इंटरवल बड़ा है। ओके, फोर्स मेरे पास में हो गया न्यूटन, ठीक है, ओके, और ये क्या होता है अपना वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड,
और अगर मैं ये यहाँ वाले से देखूं तो ऊपर क्या आ रहा है, वर्क, क्या होता है वर्क, जूल, और नीचे सेकेंड. तो ये जो चीज है जूल पर सेकेंड, इसको हम बोलते हैं वॉट. वन जूल अगर मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन सेकेंड में, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं वॉट. ओके, हॉर्स पावर क्या होता है, वन हॉर्स पावर 743 वॉट. हाँ, 746 वॉट. सेवन, तो हॉर्स पावर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एचपी से, ठीक है. ऑल दो इसके ऊपर हमारे आते नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे पास में ऐसा ही सिस्टम नहीं है. हाँ, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो उस टाइम इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. अब देखो, अब बात करते हैं पावर के बारे में थोड़ा सा डिटेल. पावर हमने बोला भाई एफ डॉट वी, अब इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. क्यों, इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मैग्नीट्यूड ऑफ वी इंटू कॉस थीटा. कॉस थीटा कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, राइट. हाँ भाई, ओके, यस. अगर अगर पावर तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि फोर्स एंड वेलोसिटीज आर सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में भी नहीं है, तो उनके बीच में एक्यूट एंगल थीटा जो है 0 से 90 के बीच में है ना. इसमें कहोगे थीटा इज लेस देन 90, मतलब कि फोर्स और ये कुछ ऐसे हैं, तो दीज बोथ आर समहाउ सपोर्टिंग, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना. तो इस पावर अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिस्टम की जो एनर्जी है दैट इज इंक्रीज. अगर तुम अगर मान लो किसी इंसान के वर्क की बात करोगे तो बोलोगे कि वर्क डन बाय द मैन इज पॉजिटिव, और अगर कहीं पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो तुम क्या बोलोगे कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, मतलब कि सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए पावर कैसा है, पॉजिटिव, ठीक है. ओके, जीरो, 90 डिग्री, ठीक है. सपोज एक कार है जो कि हॉरिजॉन्टल में जा रही है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि पावर डिलीवर बाय ग्रेविटी, तो क्या आएगा, कार तो हॉरिजॉन्टल में जा रही है और हमारा जो जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो तो हमारा परपेंडिकुलर है, तो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो. यहां पे बात करते हैं नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब कि ये मान लो फोर्स है, ये हमारे पास वेलोसिटी है, तो ये समहाउ क्या कर रहा है, ये एनर्जी को कम कर रहा है. भाई सीधा ही बोलते ना कि dE by dt, अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, मतलब कि सिस्टम की जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो रही है. अगर इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव, मतलब कि सिस्टम की एनर्जी अपना डिक्रीज हो रही है, और इसकी वैल्यू अगर आती है जीरो, तो मतलब एनर्जी इज कांस्टेंट, तो मतलब कि सिस्टम के अंदर कोई कुछ नहीं कर रहा है. अब मुझे बताओ, सपोज यू आर गोइंग बाय अ कार और कार का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो भी तुम्हारा पेट्रोल क्यों जलता है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करते हैं. फ्रिक्शन देखो ना, वहां पे क्या फ्रिक्शन भी होता है, हवा भी चल रही होती है, हवा का भी आता है ना ड्राइव फोर्स. तो अगर तुमको कांस्टेंट स्पीड से भी जाना है तो भी जो तुम्हारा ड्रैग फोर्स वगैरह है उसको तुम्हें ओवरकम करना पड़ेगा ना. तो जितना वर्क डन तुम्हारा उसका ड्रैग फोर्स का होता है, उतना ही वर्क डन तुम्हारा इंजन कर देता है, तो तुम्हारी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है. yes, sir. तो जैसे देखो हमको दिया हुआ है कि 1 किलोवाट का एक मोटर है हमारे पास में,
ठीक है, मोटर पंप, उसको हमने इसमें लगा रखा है, कुएं में लगा रखा है। ये हमारे पास कुआं है, यहाँ पे पानी है नीचे, और यहाँ पे हमने उसको लगा रखा है पंप को, और इसकी तुमको हाइट दी हुई है 10 मीटर। ये पानी खींच रहा है और यहाँ पे फेंक रहा है, ठीक है। हमसे पूछा है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप आउट पर सेकेंड, पर सेकेंड हमारे पास में कितना पानी आ रहा है बताओ। दस केजी बस। और कैलकुलेट, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ वाटर पंप आउट पर सेकेंड, पर सेकेंड कितना पानी बाहर आ रहा है। तो देखो कैसे, पानी पहले कहां रखा हुआ था, पहले यहां पे रखा हुआ था, अब वो पानी यहां पे आ गया। तो सपोज उसका मास है m, तो उसकी एनर्जी कितनी इंक्रीज हुई, m into g into h, ये हो गया ना उसकी एनर्जी। ले रहे हैं क्या? नहीं नहीं, उसका अपने वेलोसिटी को एक बार के लिए छोड़ दो, तो ये हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, है ना, तो ये क्या बन गया, d by dt, the rate at which energy is being transferred, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर। और ये पावर किसने दी है, जो हमारा मोटर है उसकी वैल्यू कितनी है, 1 kilowatt है। क्या मतलब होता है किलो का, 10 की पावर 3 इक्वल टू जी कितना है 10, हाइट कितना है 10, और इनटू ये क्या बन गया डीएम बाई डी टी। क्या मतलब होता है डीएम बाई डी टी का, मास पर सेकेंड, मतलब पर सेकेंड इतना मास आ रहा है। तो हमारे पास क्या क्या बन जाएगा, डीएम बाई डी टी 10 kg पर सेकेंड, मतलब जो हमारी मोटर है वो पर सेकेंड 10 kg पानी को बाहर निकाल रहा है। ठीक है, ओके। जैसे एक और करो, तुमको दिया हुआ है एक एलिवेटर दिया हुआ है, एक लिफ्ट है जिसके अंदर एक मैन भी है। इन दोनों का मास मिला के टोटल है 1800 kg, कंप्लीट लिफ्ट प्लस मैन इज मूविंग अप, ये ऊपर जा रहा है 2 meter per second से। फ्रिक्शन फोर्स, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो कोई ना कोई तो अब फ्रिक्शन फोर्स लगता है ना, चाहे वो हवा का लगे या फिर कोई भी लगे। एक यहाँ पे ये लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 4000 newton। हमसे पूछा है कि फाइंड मिनिमम पावर ऑफ लिफ्ट, बताओ क्या होना चाहिए। इसके ऊपर जो सर 11,600 watts, ओके। तो सपोज यहाँ पे एक हमने वो लगा रखी कि मोटर लगा रखी है ये, जो कि इसको ऊपर खींच रही है। तो अगर वो इसको ऊपर खींचना चाहती है तो क्या होगा, एक तो इसका एमजी नीचे लग रहा है, एक कौन सा लग रहा है, ये नीचे लग रहा है। तो ये जो फोर्स लगाएगी मोटर, ये ऊपर लगाएगी एफ। तो हमारे पास में एफ की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक तो ये हो गया 1800 plus 4000, नहीं ये तो अपना 18,000 ना, क्योंकि वो तो मास है सिर्फ, ठीक है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 22,000 और वेलोसिटी दी हुई है तो फोर्स इनटू वेलोसिटी 22,000
न्यूटन, ठीक है, और हमारा वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो फोर्स भी ऊपर ही लग रहा है और हमारा वेलोसिटी भी ऊपर ही है, तो पावर कितना हो जाना चाहिए? 44,000 44,000 44 किलो। तो इसके ऊपर इजी क्वेश्चन आते हैं, इसके ऊपर कोई अपना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे बोला है कि वन कूली टेक्स 1 मिनट टू रेज ए बॉक्स थ्रू ए हाइट 2 मीटर, मतलब उसने उठाया ग्राउंड से और उसको ऊपर ले गया, अपने 2 मीटर ऊपर ले गया विद इन 1 सेकेंड। द अनदर टेक 30 सेकेंड फॉर द सेम जॉब। अब तुमसे क्या पूछा है, डज द अमाउंट ऑफ वर्क इज सेम? यस यस, वर्क डन इज सेम, वर्क सेम है ना, बट विच वन हैज द ग्रेटर पावर, जिसने उस काम को जल्दी किया? सर 1 सेकेंड में किया, 1 सेकेंड वाला है ना, 1 मिनट और 30 सेकेंड बोला ना, 1 सेकेंड हाँ मिनट, चलो ठीक है, मतलब जिसका टाइम कम होगा जिसका टाइम कम होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, जिसका टाइम ज्यादा होगा उसकी पावर कम होगी, कम होगी, ठीक है, ओके। अब तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट और तुमको सारे क्वेश्चन करने, अगली क्लास में हम सिर्फ है ना क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो प्लीज पूरा एससीवी कंप्लीट करके आना ताकि तुमको पता लगे क्या हो रहा है, और अब बुकलेट भी पूरी करनी है जहां तक हो पाए, ठीक है। संडे को क्या है तुम्हारा? हाँ तो एक अपना कहते हैं एग्जाम रख दूं, टेस्ट हाँ सर चलेगा चलेगा सर, इसका वर्क पावर का, हाँ सर चलो चलो ठीक है, एक बार मुझे बाकी बैचेस में देखने दो, उनका भी हो गया तो फिर एक साथ ही रखते हैं फिर, ठीक है, तैयार रहना वैसे कहते हैं संडे के एग्जाम के लिए, हाँ सर ठीक है, चलो ओके बाय बाय, थैंक यू सर, बाय थैंक यू सर, यस सर चलेगा, थैंक यू सर।